हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक नए क्रिएटर हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आप जो है 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन होता है यूट्यूब का, उसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कौन कौन सा फीचर्स जो है यूट्यूब प्रोवाइड करता है आपके चैनल पे, कौन कौन से फीचर्स एनेबल करता है, मैं वन बाय वन इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा फीचर्स जो है मिलेगा जब आप जो है 1000 सब्सक्राइबर का जो है माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट हुआ उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करें फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, साथ साथ बेल को ऑल पर क्लिक कर लें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही आप जो है 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जो है यूट्यूब पे पूरा करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको जो है यूट्यूब जो है तीन फीचर्स जो है आपके चैनल पे जो है एनेबल करता है। पहला होता है फ्रेंड्स, आपको जो है कम्युनिटी जो है टैब मिलता है फ्रेंड्स। कम्युनिटी टैब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। कम्युनिटी टैब होता है फ्रेंड्स, इससे आप जो है अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर से फ्रेंड्स कनेक्ट रह सकते हैं। कोई भी आपकी वीडियो आने वाली हो तो उसका पोस्ट जो है आप पहले ही जो है डाल सकते हैं, जिससे आपके जो है व्यूअर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी वीडियो का टाइमिंग क्या है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई भी विशेष देनी हो, तो आप कम्युनिटी टैब के द्वारा दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो कम्युनिटी टैब कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जो है अनेबल हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में, पहले आपका होम पेज हो गया, वीडियो प्लेलिस्ट एंड कम्युनिटी, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिटी का आपका भी जो है अनेबल हो जाएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स। कम्युनिटी कैसे पोस्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप कम्युनिटी को तीन तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो हो आपके पास, कोई इमेज पोस्ट करना हो, या फिर कोई टेक्स्ट में कुछ पोस्ट करना हो, तो ये तीनों तरीके से आप जो है कम्युनिटी का पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। एक फोटो को मैं जो है अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए फ्रेंड्स, मुझे ये फोटो अपनी कम्युनिटी पर डालना है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपनी गैलरी से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ अगर टाइप करना है, तो फ्रेंड्स मैंने जो है पिक्चर्स को ऐड कर दिया है और मैंने एक जो टेक्स्ट जो है वो टाइप कर दिया है। टाइप करने का फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ पे एक पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो है कम्युनिटी टैब पे ये पोस्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे फ्रेंड्स, उनके जो है टाइमलाइन पे आपका जो है पोस्ट शो करने लगेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने ये पोस्ट कर दिया है और मैं ऑलरेडी इस पर एक पोस्ट कर चुका हूँ, तो ठीक है मैं इसको अब यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो ये पहला फीचर्स होगा फ्रेंड्स जो यूट्यूब की तरफ से मिलते हैं आपको कम्युनिटी टैब का। फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट फीचर्स जो यूट्यूब आपको देता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, वो होता है कस्टम यूआरएल का। कस्टम यूआरएल क्या होता है आपका दिमाग में ये भी चल रहा होगा, तो कस्टम यूआरएल वो होता है फ्रेंड्स, अगर आपने जब यूट्यूब चैनल क्रिएट किया होगा तो यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली आपको एक कस्टम यूआरएल दिया होगा अपनी तरफ से, जो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी लेंथी होगा, उसको याद करना या उसको सर्च करना या उसको किसी के साथ शेयर करना। तो यूट्यूब एक फीचर देता है फ्रेंड्स कस्टम यूआरएल का। तो मैं जब कस्टम यूआरएल क्रिएट करूँगा फ्रेंड्स, तो www.youtube.com/technicalexpertrahul, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कोई भी इजीली मेरे चैनल को सर्च कर सकता है और मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है। तो फ्रेंड्स कैसे उसको एनेबल करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, अपना जो है यूट्यूब स्टूडियो जो है अपने डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए मेरा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा आपके चैनल का लोगो दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे योर चैनल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो चैनल का होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जो है यहाँ पे यूट्यूब के जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है आपको कस्टमाइजेशन का, चैनल कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको कैसे जो है चैनल का यूआरएल क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जब आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप भी कर लीजिएगा। इससे क्या नाम है, आपके चैनल का जो है रीच बढ़ेगा और आपको आपके चैनल को लोग ईजिली सर्च कर पाएंगे आपके चैनल के नेम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन, सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल। आपको इस पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स यूट्यूब जो है आपको एक कस्टम यूआरएल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है आपके चैनल से रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब जो है प्रोवाइड किया है जो मुझे कस्टम यूआरएल, वो है www.youtube.com/seed/
टेक्निकल एक्सपर्ट राहुल, यानी कि मेरे चैनल का नाम, ठीक है। अगर आपको ये जो है URL समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए नीचे सेकंड ऑप्शन एक और आ रहा है, इस पर जब आप टैप करेंगे फ्रेंड्स तो आप जो है इसके आगे जो है अपना एक नया जो है कस्टम URL अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट जो है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट, देखिए मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, तो कोई भी जो टेक्स्ट ऐड करेंगे अगर वो अवेलेबल रहेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक बन जाएगा। अगर वो ग्रीन टिक बन गया फ्रेंड्स तो आपका मतलब वो यूज़र नेम जो है, वो URL जो है अवेलेबल है। उसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो है चैनल का URL जो है वो अपडेट हो जाएगा। जो नया चैनल नया URL आपने बनाया है वो आपके चैनल पे जो है अपडेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि फ्रेंड्स आपको लोग इजीली सर्च कर पाएंगे, आप किसी को अपना जो है चैनल का URL अगर शेयर करेंगे तो उसको याद भी रहेगा जब आपके चैनल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये फीचर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसका भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो तीसरा फीचर्स मिलता है फ्रेंड्स जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं तो वो होता है लाइव स्ट्रीमिंग का फ्रेंड्स। लाइव स्ट्रीमिंग आपके चैनल पे जो यूट्यूब जो है प्रोवाइड करता है। देखिए कैसे मिलता है उसको, आप देख सकते हैं जैसे ही आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं क्रिएट में जाके, वहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन अनेबल हो जाएगा गो लाइव का। तो इसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, आप अपने जो है चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो भी कर सकते हैं, अपने जो है सब्सक्राइबर्स से एंगेज हो सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो भी आप यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तीन फीचर्स जो है YouTube प्रोवाइड करता है जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, जो YouTube का माइलस्टोन होता है। जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स उसके 10 टू 15 डेज के बाद जो है ये, चाहे वो कम्युनिटी टैब हो गया, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो गया फ्रेंड्स, चाहे वो कस्टम URL हो गया, वो 10 टू 15 डेज के बाद जो है यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे अनेबल कर देता है। एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा इसका जब भी आपके चैनल पे ये अनेबल होगा। तो ये तीनों फीचर्स फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपको अपने यूजर्स, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने व्यूअर्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला यूट्यूब की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल एक कदम होता है YouTube की तरफ से आपके चैनल पर लिया जाता है, तो आपको भी काफ़ी पॉजिटिविटी इससे मिलती है कि YouTube भी आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि कैसे तीनों फीचर्स का यूज़ करते हैं, कैसे इसको अनेबल करते हैं, ठीक है। मैंने आपको वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट चाहिए, ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पर क्लिक करें फ्रेंड्स फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।